Today, we will start exercise 8C of chapter Profit, Loss and Discount. Profit, Loss and Discount. From Salina Concise for class 8 for ICSE. First sum. सेम उन्हीं फॉर्मूलाज पे जो हमने पहले किए थे उसी पे बेस्ड है. ए स्टेशनरी स्टेशनर बाय पेन्स एट 5 for ₹28, मतलब 5 पेन की कॉस्ट प्राइस 28 है एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25. स्टेशनर बाय पेन्स एट 5 for ₹28. 5 पेन 28 के परचेज करते हैं एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. हाउ मच शुड अ कस्टमर पे इफ ही बाय ओनली 1 पेन 3 पेन्स. एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 1 पेन खरीदता है और 3 पेन खरीदता है. देखो सीपी ऑफ 5 पेन्स, तो यहां सबसे ज्यादा बेटर है कि हम 1 पेन की फाइंड कर लें. सीपी ऑफ 5 पेन कितनी गिवन है हमें, रुपी 28 गिवन है. CP of 1 pen find कर लेंगे हम. आराध्या 1 pen की CP कितनी आएगी? Sir, 1 pen की CP हम लोग निकालेंगे 28/5 करके. Very good. 28/5 इसको ऐसे ही रख लो. Now, selling price of 1 pen. Selling price का formula, आराध्या सिर्फ formula. So 100 plus profit by 100 into CP. Profit percent beta. Yes sir. Upon 100 into CP. अब देखो one pen है ना, 100 profit कितना हुआ उसको, 25% upon 100 and CP of one pen 28/5. Sir one pen की CP क्यों ली? बेटा उन्होंने यहाँ देखो ना आगे जो फाइंड करने के लिए बोला है, हाउ मच शुड अ कस्टमर पे इफ ही बाय वन ओनली वन पेन. ओके सर, दैट्स व्हाई आई हैव कैलकुलेट द एससीपी ऑफ वन पेन. ओके सर, हियर 125 अपॉन 100 इनटू 28/5. 5 से इसको कट किया, 25 4 7 रुपीज 7 आ गई बेटा सेलिंग प्राइस एक पेन की. बोलिए यस और नो. यस. नाउ दैट इज द एसपी ऑफ वन पेन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड एसपी ऑफ 3 पेन्स. 3 पेन्स की एसपी क्या होगी? 7 × 3 दैट इज 21. देखो एक पेन 7 का सेल कर रहा है तो 3 पेन इंटू 3 हो जाएगा. ओके सर. नाउ नेक्स्ट सम. ए फ्रूट सेलर सेल्स 4 ओरेंजेस फॉर 3 रुपी 3. सेल्स एक फ्रूट सेलर 4 ऑरेंज 3 में सेल करता है गेनिंग 50%. कितना गेन? 50%. सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज. प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज. Number of oranges need to be bought and sold in order to gain 24 rupees. Sab kuch isme ek hi sum mein puch liya usne. SP of 4 oranges hume given hai. Rupee 3. Ab first part mein usne CP kiski puchhi thi? 4 oranges ki CP puchhi hai na? CP of 4 oranges he asked. To hume 1 orange ki SP find karne ki zarurat nahi hai. Profit kitna hai? 50%. तो CP of 4 oranges. Porush formula. 100. बोलो Porush. Upon 100. Into SP. ठीक है आराध्या? सर CP में denominator में होता है ना? मैं तेरे से पूछ तो रहा था तब तो बोला नहीं तू. सर माइक ऑन नहीं था. 100 अपॉन 100 प्लस सीपी फाइंड करना है तो
नीचे आएगा इनटू एसपी में 100 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 50% है तो 100 प्लस 50 इनटू एसपी एसपी कितनी है 3 रुपीज है तो 100 अपॉन 150 इनटू 3 50 के टेबल पे बेटा कट कर दो इन दोनों को 52s आर 100 53s आर 3 से 3 कट हो गया रुपी 2 आ गया क्या सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस 4 ऑरेंजेस की सीपी रुपी 2 आ गई अब आगे क्या लिखा है बेटा सीपी ऑफ 1 ऑरेंज अब देखो 4 ऑरेंजेस की रुपी 2 है तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज क्या आएगी परोश Yes, sir. CP of 4 oranges, rupee 2 है, तो 1 orange की CP क्या आएगी? Sir, 1 upon 2. 4 by, sorry, 2 by 4. देखो, 4 oranges की CP 2 आई है, तो 1 orange की क्या होगी? 2 by 4 होगी ना? कट किया, half आ गया. Half means 0.5 rupees. Decimal में कर सकते हैं. इसके बाद थर्ड पार्ट में SP ऑफ 1 ऑरेंज देखो SP ऑफ 4 ऑरेंजेस हमें गिवन थी 3 रुपी 1 ऑरेंज की SP फाइंड करनी है SP ऑफ 1 ऑरेंज 3 बाय 4 या जाएगी SP ऑफ 1 ऑरेंज यस और नो यस सर यस सर 1 ऑरेंज आ गई ये हमारा थर्ड ये सेकंड पार्ट था ये हमारा थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज प्रॉफिट ऑन 1 ऑरेंज प्रॉफिट ऑन 1 ऑरेंज 1 ऑरेंज पे कितना प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी देखो हमें एसपी ऑफ 1 ऑरेंज भी पता है सीपी ऑफ 1 ऑरेंज भी पता है एसपी माइनस सीपी होगा ना एसपी 3 बाय 4 है सीपी हाफ लिख लो चाहे 0.5 लिख लो चाहे हाफ लिख लो 4 एलसीएम 3 माइनस 2 1/4 रुपी प्रॉफिट हुआ ना एक ऑरेंज पे यस सर ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया फिफ्थ पार्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करने हैं नीड टू बी बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 24 रुपी देखो अगर 1/4 रुपी प्रॉफिट है फोर प्रॉफिट पहले भी इस टाइप का एक समय आया था प्रॉफिट रुपी 1/4 नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट या सॉल्ट किसके इक्वल 1 ना 1 ऑरेंज पे इतना प्रॉफिट हुआ ना फॉर प्रॉफिट रुपी 1 नंबर ऑफ ऑरेंजेस अन्वेषा क्या आएगा अन्वेशु अन्वेशा सॉरी है आज नो सर हाँ जी बेटा बोलिए फिर क्या आएगा देखो 1/4 प्रॉफिट के लिए उसने एक ऑरेंज सेल किया 1 रुपी के लिए कितना होगा 1/4 हो जाएगा ना यूनिटरी मेथड तो यहीं पे कर देते हैं 4 ऊपर चला जाएगा नीचे 1 तो 4 ऑरेंजेस ही आ जाएंगे 4 प्रॉफिट कितने प्रॉफिट के लिए उन्होंने 25 बोला 24 बोला है ना yes, 24 के लिए क्या करेंगे 4 इनटू 24 फोर आर 96 ऑरेंजेस वो सेल करेगा या परचेज करेगा किसके लिए 24 रुपी प्रॉफिट के लिए आ गया समझ yes, sir. नींद आ रही है अन्विशा अन्वेषा यस सर नींद आ रही है सर बिल्कुल अभी सर क्यों उठे थे इसकी सर माइंड थोड़ा चल नहीं रहा था अच्छा चल रोना नहीं है कोई बात नहीं चल पड़ेगा माइक तो नाउ द थर्ड सम ए मैन सेल्स 12 आर्टिकल फॉर रुपी 80 12 आर्टिकल 80 रुपी में सेल किए गेनिंग 33 1/3 फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बोट बाय द मैन 4 रुपी 90 रुपी 90 में उसने कितने आर्टिकल परचेज किए ए मैन सेल्स 12 आर्टिकल फॉर रुपी 80 गेनिंग 33 1/3
फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बोट बाय द मैन फॉर रुपी 90. अगर मैं वन आर्टिकल की सीपी फाइंड कर लूं बेटा, तो 90 रुपी में कितने आए हैं वो आ जाएगा ना हमारे पास, कैलकुलेट हो जाएगा ना. यस सर. तो यहां देखिए, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल की बना हमें 80 रुपीस. थैंक यू सो मच आराध्या. प्रॉफिट कितना? 33 1 बाय 3%, 99 प्लस 1 100 अपॉन 3%. एसपी पता है 12 आर्टिकल की, प्रॉफिट पता है. सीपी निकाल लेंगे 12 आर्टिकल्स की, वन की हम बाद में फाइंड कर लेंगे, पहले 12 आर्टिकल की ही फाइंड कर लो. 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट पर, हाँ प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी. एसपी कितनी है? 80 है. अब जब तक नीचे एलसीएम नहीं लेंगे हम ऊपर नहीं लेके जा सकते. 100 एज लाइक नीचे 3 एलसीएम आ गया, 300 प्लस 100 इनटू 80. 100 3 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया. 300 प्लस 100 400 इनटू 80. यहाँ देखो 0 से 0 8 फाइव सार, 5 से ये कट हो गया 20. 23 जा 60. सीपी ऑफ 12 आर्टिकल कितनी है? 60 है. तो आराध्या, यस सर, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो जाएगी? सर 12 बाय 60 आर्टिकल, 60 बाय 12 होगी. यस सर. 5 रुपी, रुपी 5 आ जाएगी. एक आर्टिकल 5 में परचेज किया तो 90 रुपी में कितने आर्टिकल परचेज करेगा वो? तो इसके बाद नाउ नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस्ड टोटल कॉस्ट 90 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 5. 5 हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ गया? 18 आर्टिकल्स आ गया. ये हमारा आंसर आ गया. समझ आया बेटा थर्ड सम? यस सर. फोर्थ सम, The cost price of 20 article is same as the selling price of 16 articles. देखो ये काफी अच्छा सम है. Cost price of 20 articles is same as the selling price of 16 articles. Find the gain percent. हमें देखो 20 articles की जो cost price है किसकी form में है? किसकी form में है? Selling price of 16 articles की form में है ना? Yes. तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल रुपी एक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स. एक मिनट बेटा, 16 आर्टिकल की आराध्या, यस सर, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 16x. और 20 आर्टिकल्स की? 20x. Now, उन्होंने साफ साफ लिखा है बेटा, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स. मैंने 20 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्यों फाइंड की? इसलिए फाइंड की थी. सीपी ऑफ 20 आर्टिकल किसके इक्वल लिखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स. यहाँ पे प्रॉपर एक बार मेंशन करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, उसके बाद उसकी वैल्यू. एसपी ऑफ 16 आर्टिकल मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, कितना? रुपीज 16x. तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल 16x आ गया, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल 20x है, एसपी 20x है, सीपी 16x है. तो आराध्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सो व्हाट, 20 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 20x है, 20 आर्टिकल की सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 16x है. तो यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ. सेलिंग प्राइस बिगर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 20x है, कॉस्ट प्राइस 16x है, माइनस किया 4x आ गया. यस सर. एंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. प्रॉफिट 4x है इनटू 100, सीपी कितना आया? 16x.
4.25. तो प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारे पास 25%, दैट इज आंसर। समझ आया बेटा कैसे करने है? यस सर। नेक्स्ट फिफ्थ सम, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। सेम है बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल ऐड कर लेंगे, ट्राई करोगे? बोलो यस सर। यस ना आए तो बेटा कल मेरे से पूछना पहले, ठीक है? ओके सर। बस 11 समथिंग। बाय सेलिंग 8 पेंस, श्याम लूजेस लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेंस। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। 6 सम देखो बेटा, बाय सेलिंग 8 पेंस, 8 पेन को सेल करता है तो श्याम को लॉस होता है किसके इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन रुपी एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स रुपी 2x, और कितने पेन सेल किए थे बेटा? 8 पेन सेल किए थे ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स भी फाइंड करो, रुपी 8x आ जाएगी। बोलो यस सर। लॉस किसके इक्वल दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स के इक्वल दिया है ना, तो लॉस किसके इक्वल आ गया? 2x के इक्वल आ गया। बोलो यस सर। ठीक है पारुष, बोलो बच्चे। यस सर। लॉस कितना आ गया? 2x आ गया ना। देखो सिंपल वर्डिंग दी है उन्होंने, बाय सेलिंग 8 पेन, अगर वो 8 पेन को सेल करता है तो उसको लॉस होता है किसके इक्वल? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन। तो मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन एक्स लेट कर ली, 2 पेन की कॉस्ट प्राइस 2x आ गई, 8 पेन की 8x, क्योंकि 8 सेल किए तो 8 परचेज भी किए होंगे ना। यस और नो? यस यस। लॉस सीपी ऑफ 2 पेन 2x। अब लॉस के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिख दो, सॉरी जरूरत ही नहीं है क्योंकि सीपी है हमारे पास 8 पेन की, लॉस है तो लॉस परसेंटेज लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितनी है? 8x, तो 25%। थैंक यू सो मच आराध्या, आज अच्छे वाले बादाम खाए लगते हैं तूने। नो आप जब भी समझा रहे थे तो मैं पहले कर ली थी। अच्छा आपने पहले कर लिया था, वेरी गुड। नाउ द 7th सम, ए शॉपकीपर बोट राइस वर्थ रुपी 4500। कितने का राइस परचेज किया? 4500। ई सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट ए 10% प्रॉफिट। इफ यू डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द होल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस। सबसे पहले राइस कितने का राइस परचेज किया उसने? 4500। टोटल राइस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस टीसीपी लिख दो, रुपी 4500। अब उसने 1/3 सेल कर दिया 10% प्रॉफिट पे, तो सीपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस ऐसे लिखेंगे बेटा हम, 1/3 इंटू 4500 हो जाएगा ना। यस सर। 1500 रुपी 1500 आ गया हमारे पास, सीपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस इज रुपी 1500, प्रॉफिट परसेंट 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% है। अब एसपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस फाइंड कर लेंगे बेटा हम, बोलिए। एसपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 अपॉन 100 इंटू सीपी। अब देखो एसपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस है ना, तो सीपी भी 1/3 ऑफ राइस होगी, दैट इज 1500। जीरो से जीरो कट हो गई, 100 प्लस 10 110 इंटू 15 0, 11 5 जा 55, 5 11 5 16, 1650। ये आ गया हमारे पास। यस सर। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 ऑफ राइस।
अब मैं एक ना सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं आपको कि टोटल जो सीपी थी वो 4500 थी, उसमें से वन थर्ड ऑफ सीपी कितनी हो गई, तो 1/3 ऑफ 4500, दैट इज 1500 हमने कैलकुलेट की थी. यस सर. अब रिमेनिंग की सीपी कितनी रह गई, सीपी ऑफ रिमेनिंग सर 4500 माइनस 3000 रुपी 3000 रह गई. यस सर. अब इस पे उसको 10% प्रॉफिट था, तो एसपी फाइंड कर ली हमने वन थर्ड की, कितनी आई 1650 आई. यस सर. ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट चाहिए सारे के सारी अमाउंट पे, 12% चाहिए. तो टोटल एसपी फाइंड कर सकते हैं बेटा हम, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, सीपी टोटल की भी है प्रॉफिट भी है. 100 प्लस 12 अपॉन 100 इनटू 4500, 112 अपॉन 100 इनटू 4500, टू जीरोस कट जाएंगे. 112 को 45 से मल्टीप्लाई करो सो 5040. रुपी उसको टोटल इतने रुपीस चाहिए थे, बट उसमें से इतने रुपीस उसके पास आ चुके हैं सेल करके, तो एसपी ऑफ रिमेनिंग कितनी आएगी सर, माइनस 5040 टोटल एसपी, इतने उसके पास आ चुके हैं वन थर्ड सेल करके. यस सर. जीरो, 14 में से 5 के 9, 9 में से 6 के 3. एक मिनट बेटा, 14 माइनस 5 9, या 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, रुपी 3390 आ गया. एक बार आपने 1650 माइनस क्यों किया है, माइनस ही किया है बेटा. सो क्यों किया है, देखो मैं एक सिंपल सी बात समझाता हूँ. उसने इतने रुपीस लगाए राइस परचेज करने में. यस सर. वन थर्ड राइस उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो वन थर्ड की पहले सीपी फाइंड की, प्रॉफिट से हमने एसपी फाइंड कर दी. इतने रुपीस तो उसके गल्ले में आ चुके हैं ना, उसके पास आ चुके हैं. बट उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए था, ओवरऑल मतलब सारे अमाउंट में 12%, तो मैंने टोटल एसपी फाइंड कर ली, ये आ गई. उसको इतने रुपीस चाहिए बट इतने उसके पास आ चुके हैं, तो एसपी ऑफ रिमेनिंग आ गया ना बेटा वो. यस सर. और सीपी ऑफ रिमेनिंग हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना था, 3000. तो रिमेनिंग को कितने प्रॉफिट पे बेचेगा, प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग सर 390 रुपी, 390 रिमेनिंग पे है उसको, 390 रुपी प्रॉफिट चाहिए. ठीक है. यस सर. अब परसेंटेज फाइंड करना है रिमेनिंग पे, प्रॉफिट परसेंट ऑन रिमेनिंग 390 इनटू 100 अपॉन सीपी. सीपी की वैल्यू रिमेनिंग की सीपी 13%. तो रिमेनिंग राइस को वो कितने परसेंट पे बेचेगा, 13% प्रॉफिट पे बेचेगा. आ गया समझ? यस यस. आराध्या आ गया बेटा, तो ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं आया. देखो हमारे पास तीन चीजें हैं बेटा, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ. आराध्या ने कितने का राइस परचेज किया, 4500 का परचेज कर लिया. ठीक है. यस सर. तेरे को ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए, 12% चाहिए. 12%. तो टोटल एसपी फाइंड की हमने, टोटल एसपी हमारे पास आ गई 5040 फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, इन दोनों चीजों पे. ठीक है, ये यहां तक तो समझ आया. यस. अब वन थर्ड राइस तूने की पहले सीपी निकालो, 4500 का वन थर्ड क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा. यस सर. जो 1500 का राइस था वो तूने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया. यस सर. तो तेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ गई यहां से, 1650 आ गई.
तूने 1500 का राइस 1650 में सेल कर दिया, yes, तेरे को चाहिए था 12%, पर तूने 10% में इतना राइस भी सेल कर दिया, जो रिमेनिंग राइस है उसकी सीपी क्या आएगी? दिस माइनस दिस होगा ना बेटा, 3000 आ जाएगी, और टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो रिमेनिंग की सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी, दिस माइनस दिस करके कितना आया था हमारे पास, 3390 आया था, दिस माइनस दिस करेंगे तो रिमेनिंग की सेलिंग प्राइस आ गई। yes, अब देखो रिमेनिंग की सीपी इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, प्रॉफिट दिस माइनस दिस, यस और नो? यस सर, 390 रिमेनिंग पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 390 का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालनी है तो सीपी यही यूज करेंगे ना, प्रॉफिट परसेंट। अब समझ आया? यस सर, यस सर, 13% वो कट करके 13 आ जाए। अब जो नेक्स्ट सम है वो खुद ट्राई करोगे क्योंकि सेम टाइप का है। मोहन बोट अ सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक फॉर ₹600, टोटल सीपी 600, सोल्ड 1/4 ऑफ एट 5% लॉस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग बुक्स सो एज टू गेन 10% ऑन द होल? देखो सीपी 600 है, 10% प्रॉफिट चाहिए, एसपी निकाल लेंगे टोटल की, वैसे 1/4 ऑफ सीपी निकाल लेंगे उसकी लॉस से लेके एसपी निकाल देंगे, अपने आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। ओके, यू कैन ट्राई इट। आगे समझ? बोलो। जस्ट वेट बेटा, एक सेकेंड। Now, next sum, a man sold a bicycle at 5% profit. If the cost price had been 30% less, एक बार हम दूसरा सम करवा दीजिए। कौन सा? अच्छा, 9th, 8th वाला करवाऊं? कैसा करवा दीजिए? चलो मैं आपको ना ऐसे लाइन बनवा के करवाता हूँ। टोटल सीपी कितनी है नोटबुक्स की? ₹600 है ना? यस सर। होल पे उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? 10% चाहिए ना? यस सर। तो टोटल एसपी निकाल लेंगे हम, यस सर, 100 प्लस 10 अपॉन 100 इनटू 600, जीरोस कट होगी, 660 आ जाएगा बेटा, यस सर, टोटल सेलिंग प्राइस। अब 1/4 उसने सेल कर दी थी 5% लॉस पे, सीपी ऑफ 1/4 ऑफ नोटबुक्स 600 इनटू 1/4, यस सर, 150 आ जाएगा ना? यस सर, सीपी 150 है, लॉस कितना हुआ उसको, 5% हुआ, तो एसपी निकाल लेंगे, 100 माइनस 5 अपॉन 100 इनटू 150, एसपी क्या आ गया, 95 अपॉन 100 इनटू 150, ये 50 के टेबल पे कट कर दो, 2 कट नहीं हो रहा, तो इसको सीधा डेसिमल में करेंगे ना, 5 से 15, 27, 28 अपॉन 2, एसपी कितना आ गया हमारे पास, 142.5 रुपी, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग, टोटल सेलिंग प्राइस 660, इतने उसने उसके जेब में आ चुके हैं इतना सेल करके 150 की नोटबुक्स। अब यहाँ देखो बेटा, टोटल सीपी पता है, 1/4 ऑफ सीपी पता है, सीपी ऑफ रिमेनिंग कितना आ जाएगा, This minus this? Yes, sir. कितना आ जाएगा? 450. Yes, sir. 450 ही होगा ना? Yes, sir. और SP of remaining, total इतनी SP चाहिए उसको, 660. इतने उसकी जेब में आ चुके हैं सेल करके, 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, 9, एक मिनट गलती कर दी, हाँ ठीक है, 9 minus 2, 7, 5 minus 4, 1, यहाँ पे क्या बच गया, 6 - 1 = 5, इतने रुपीज आने चाहिए उसके पास। अब देखो एसपी पता है, सीपी पता है, प्रॉफिट निकाल लेंगे एसपी माइनस सीपी करके, यस सर, एसपी 517.5 माइनस 450 कितना आ गया, 67.5 आ गया, यस सर। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है बेटा उन्होंने, यस सर,
प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी. सीपी ये वाली यूज करनी है क्योंकि रिमेनिंग पे पूछा उन्होंने, जीरो से जीरो कट कर दी, नाइन के टेबल पे कट कर दो बेटा. नाइन फाइव सा 15% प्रॉफिट पे रिमेनिंग को वो सेल करेगा. आ गया समझ? बोलिए. ओके सर. नाउ द नाइंथ सम, दैट इज द इंटरेस्टिंग वन. राजू सेल्स ए वॉच एट 5% प्रॉफिट. राजू 5% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था. हैड इट ही सोल्ड इट फॉर रुपी 24 मोर. अगर वो 24 रुपीज ज्यादा में सेल करता है, जिस रेट पे वो पहले सेल कर रहा था उसे 24 रुपीज ज्यादा में सेल करे तो उसका प्रॉफिट परसेंट 11% हो जाएगा. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच. देखो पहले 5% प्रॉफिट था, अब उसका 11% प्रॉफिट है. डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का डिफरेंस कितना? 11 माइनस 5 ना 6% आ गया. यस सर. पहले 11 था, सॉरी 5 था, अब 11 है. अब 6% प्रॉफिट से कितने रुपीस इंक्रीज हो गए? बोलिए. ₹24 इंक्रीज करने से ही बेटा 6% प्रॉफिट ज्यादा हुआ. यस सर. तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6% ऑफ सीपी, सीपी को हमने एक्स लिया है, किसके इक्वल? 24 के. सीपी की वैल्यू आ जाएगी. बस मेरी बात समझ आई बेटा कि मैंने डिफरेंस क्यों फाइंड किया? आराध्या समझ आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है. मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा. पहले वो सेल कर रहा था मान लो 100 रुपी में. यस सर. तो उसका प्रॉफिट था 5%. यस सर. अब वो उसको 124 में सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 11%. यस सर. कितने रुपी इंक्रीज करने पे प्रॉफिट मतलब 24 हुआ? 6% 11 माइनस 5% 11% में से 5% माइनस किया, 6% आ गया ना. 6% ऑफ x, x मतलब cp 24, क्योंकि 24 से इंक्रीज करने से हुआ है ना. तो ये देयरफॉर cp हमारे पास कितनी आ गई? रुपी 400 आ गई. ये हमारा आंसर आ गया. छोटा सा क्वेश्चन. यस सर. ठीक है. कई टीचर्स क्या करते हैं, एक्स लेके अलग अलग फाइंड करते हैं फिर माइनस करते हैं, बट नहीं, पहले ही माइनस करके उसका ही एक्स मतलब सीपी पे लगा देना. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10. ए मैन सोल्ड अ बाइसाइकिल एट 8.5% प्रॉफिट. इफ द कॉस्ट हैड बीन 30% लेस, जो उसकी कॉस्ट है वो 30% लेस हो जाए एंड सेलिंग प्राइस ₹63 लाख और सेलिंग प्राइस भी 63 रुपी लेस करती, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%. तो इसको प्रॉफिट 30% हो जाता है. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल? पहले वो 5% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था. इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 30% लेस हो जाए एंड द सेलिंग प्राइस ₹63 लेस और सेलिंग प्राइस वो 63 लेस कर दे, he would have made a profit of 30%. तो उसका प्रॉफिट 30% हो जाता है. तो यहाँ पे देखो बेटा सीपी, लेट सीपी ऑफ बाइसाइकल रुपी एक्स ले लिया. प्रॉफिट कितना था इसका? 5%. सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे बेटा एक्स की फॉर्म में हम, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. कितना आ गया? 105x अपॉन 100 आ गया. इसको बेटा 5 के टेबल पे कट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा. सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारे पास?
रुपी 21 अप एक्स अपॉन 20, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आती है। अब कहता उन्होंने क्या लिखा है कि कॉस्ट प्राइस है जो 30% लेस हो जाए, नाउ न्यू कॉस्ट प्राइस एक्स थी ऑलरेडी, उसका कितने परसेंट लेस कर दिया, 30%, यही हुआ ना बेटा इसका मीनिंग, जो कॉस्ट प्राइस है 30% लेस कर दी, पहले एक्स थी अब 30, एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स, एक्स माइनस 30x बाय 100 आ गया, जीरो कैंसिल हो गई, एक्स माइनस 3x बाय 10, यहां पे 10 एलसीएम आ गया, 10x माइनस 3x, तो 7x बाय 10 रुपी 7x बाय 10 न्यू सेलिंग प्राइस। यस पौरुष, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी सर? 21x अपॉन 20 माइनस 63। वेरी गुड, देखो ये पहले सेलिंग प्राइस थी, हमने फाइंड कर ली थी ना, बट अब न्यू सेलिंग प्राइस उसने 63 रुपी लेस बोला है, 20 एलसीएम 21x माइनस 3 × 6 = 12, दिस वन इतने रुपीज आ गए न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस भी पता है, न्यू सेलिंग प्राइस भी पता है, जो अब उसका प्रॉफिट है वो 30% हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, एसपी माइनस सीपी ना? यस सर। यस एसपी बेटा हमारे पास ये आई है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन में ये लग रहा है कि ये क्या हो गया, बट ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसकी, ये है बस। नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं लेके जा रहा हूं इसको, पेज ही फाड़ लेती हूँ तो ज्यादा इजी हो जाएगा मुझे समझाना। अब यहां देखिए, ये रहा बेटा, तो प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया, 20 एलसीएम आ जाएगा। यस सर। 21x माइनस 1260 एज लाइक माइनस 10 को किससे करें 20 आ जाए, 2 × 2 = 14 तो प्रॉफिट किसके इक्वल आ गया, 20x माइनस 14x सर 7x 7x माइनस 1260 अपॉन 20, इतना प्रॉफिट आ गया बेटा, इतने रुपए। यस सर। बट प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 30% दिया है। यस सर। तो 30% ऑफ सीपी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ऑफ न्यू सीपी आएगा बेटा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो न्यू सीपी पे ही है, किसके इक्वल, दिस वन, रुपीज में ये है ना हमारे पास। अब 30 अपॉन 100, न्यू सीपी क्या थी हमारे पास, कितनी थी न्यू सीपी, 7x by 10 थी, ये रही 7x by 10 is equal to 7x minus 1260 upon 20। अब एक काम करते हैं, एक जीरो तो कैंसिल कर देते हैं, कर दी, 7 × 3 = 21x, नीचे 100 बच गया, 20 को मैं साइड ले आऊं बेटा ये वाला, और यहाँ पे 7x minus 1260 21x अपॉन 5, 7x को भी इस साइड ले आओ, माइनस 7x हो गया, किसके इक्वल, माइनस 1260, 5 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 21x माइनस 35x, किसके इक्वल, माइनस 1260, माइनस किया बेटा, माइनस 14x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1260, सिर्फ कैलकुलेशन ही है थोड़ी लेंथी, x बेटा 1260 इंटू 5 अपॉन 14, कट करो, 14 9 90 9 5 450, x को क्या लेट किया था, सीपी को लेट, सीपी लेट किया था ना, देयरफोर सीपी ऑफ बाइसाइकल इज रुपी 450 इज द आंसर। समझ आया, कैलकुलेशन है बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्या किया, सीपी को एक्स लेट कर लिया, प्रॉफिट 5% था, एसपी निकाल ली। अब कहते जो सीपी है वो 30% लेस हो गई, तो एक्स पहले सीपी थी उसमें से 30% ऑफ एक्स माइनस किया, तो मेरे पास ये आ गया। न्यू एसपी क्या बोला उन्होंने, जो पहले एसपी थी
उसमें से 63 रुपी लेस मैंने एलसीएम लेके यहाँ किया, प्रॉफिट क्या होगा, न्यू एसपी माइनस न्यू सीपी माइनस किया, एलसीएम लिया, कैलकुलेशन ही है सिर्फ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट अब कितने परसेंट है, 30% है ना, 30% ऑफ न्यू सीपी होगा, नॉट सीपी, दिस वन 30% हटाया नीचे 100 ऑफ का मतलब इनटू न्यू सीपी है जो वो 7x/10 थी वो लिख दी। इसके बाद लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया बस और कुछ नहीं किया। हाँ जी 30% ऑफ न्यू सीपी क्यों लिया बेटा, जो प्रॉफिट है उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, ये लिखा है ना कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 30% लेस हो जाए और सेलिंग प्राइस 63 रुपी लेस आ जाए, इट वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 30% न्यू सीपी का ही होगा ना बेटा। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट सम बेटा, रेनू सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड शी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट 4 rupees 36 मोर। मैं नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल सेम इस टाइप का सम है सर। हाँ जी सर, क्या जो 10th वाला क्वेश्चन था जहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, ये वाला प्रॉफिट नो सर, सेकंड पेज पे, ये रहा, यस सर, नेक्स्ट पेज पे जो है। हाँ जी बोलिए, 1260 को 20 से काट भी तो सकते थे, बीच में क्या साइन है, सॉरी सर माइनस है, सॉरी सॉरी, तूने मेरे को वाराणसी आना पड़ जाए तेरे लिए, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, मल्टीप्लाई होता तो होता बेटा, वो उत्कर्ष बोल रहा है पीछे, यस सर, चाना मार खींच के उसके, तो डिस्टर्ब क्यों कर रहा है मुझे, चलो मजाक कर रहा हूँ, मार मत देना, लड़ाई कर लो कहीं, मैं मारती नहीं हूँ, वही मारता है बस, है ना, नो सर आप थोड़ा कम कर दिए, चलो बड़ी हो गई ना। तो लास्ट सम है जो बेटा वो सेम इस टाइप का है, आप खुद ट्राई करोगे, जैसे हमने 10th सम किया है सेम टू सेम उसी टाइप का है, कर लोगे ट्राई, यस सर, यस सर, चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही एनफ है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपने सर, ओके, हाँ इस चैप्टर के बाद फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, कर लेंगे और बताओ, नो यस सर, इस चैप्टर में टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपको सेलिंग प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस का समझ आ गया ना, यस सर, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, डिस्काउंट शॉपकीपर क्यों देता है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है पौरुष, डिस्काउंट किस लिए देता है वो, बोलो सर, ताकि कस्टमर उसे खरीदे, नहीं जी वो इसलिए देता है, कोई चीज मतलब उसके पास स्टॉक हुई पड़ी है, बिक नहीं रही, ठीक है, तो उसका पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है, मान लो कोई चीज उसने 500 की खरीदी थी, वो एक साल हो गया, दो साल हो गए, दो साल में बिकी नहीं, 500 रुपया उसका ब्लॉक है ना, तो वो क्या करता है, 100 rupees उस पर डिस्काउंट दे देता है, चलो 400 में निकल जाए कोई बात नहीं, 400 तो आए, हाँ 500 ब्लॉक हुआ पड़ा है, समझे, तो एक टाइप से डिस्काउंट क्या होता है, शॉपकीपर का लॉस होता है, तो फॉर्मूला में जब डिस्काउंट आएगा ना, तो उस टाइम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे होता है बेटा ये, ठीक है, ओके समझे, ऐसे सेल टैक्स क्या है, एक टाइप से दुकानदार को हम ज्यादा पैसे देते हैं ना, बोलिए, तो वहां पे 100 प्लस सेल टैक्स परसेंट अपॉन या वैट भी लिख सकते हैं इनटू एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस जो उस पे मार्क किया हुआ है, आया समझ, तो एमपी सीपी सेम होते हैं, नहीं बेटा मार्क प्राइस कई आइटम्स पे रेट ज्यादा लिखा होता है बट हम खरीदते उसको कम में है, ओके सर, मार्क प्राइस जितना उस पे रेट लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस, ओके
तो चलो कोई बात नहीं, कल करेंगे हम. ओके बाय, सी यू टुमारो. बाय सर.